हेलो एवरीवन, हम डॉक्टर आसिफ स्पाइनल स्पोर्ट्स न्यूज़ स्पीकर। आज हम आपको एक रिव्यू दिखा रहे हैं जिसमें ये हमारे साथ मिस्टर सरलिंग है जो लद्दाख से आए हैं और 3 दिन पहले हमारे पास आए थे। हमने इनका फर्स्ट सेशन का 1-3 दिन पहले आप वीडियो भी अपलोड किया था। अब ये आज इनका हमने फाइनल सेशन किया है 3 दिन बाद। ये फिफ्थ सेशन है इनका, ही इज गोइंग बैक। तो सरलिंग, आपको अभी कैसा लग रहा है ये सेशंस कराने के बाद? बहुत अच्छा फील कर रहा है सर, बहुत अच्छा फील कर 80-90% मतलब 3 दिन के अंदर आपका जो है वो 80-90% बेटर लग रहा है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी जो हमने बताया आपको एक्सरसाइज वगैरह बताया वो भी करने है आपने। इनका डिस्क बल्ज था, L5S1 पे इनका डिस्क बल्ज था और काफी टाइम से। जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि ये डिस्क बल्ज L5S1 की वजह से काफी कितने टाइम से परेशान थे, लगभग एक साल से। एक साल से ये डिस्क बल्ज की वजह से L5S1 के परेशान थे और फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कराने का और ये लद्दाख से दिल्ली आए हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए। और 3 दिन पहले ही आए थे तो हमने इनको जो है वो 5 सेशन दिए हैं अभी 3 दिन में। और 5 सेशन के बाद इनका आज हमने लास्ट सेशन किया है और ही इज ट्रैवलिंग बैक टू लद्दाख टुमारो। और भी हमने इनसे पूछा भी तो आपको जो है वो 90% बेटर लग रहा है, बेटर लग रहा है। तो थोड़ा सा जो 10% रेजिडुअल है वो भी थोड़ा एक्सरसाइजेस वगैरह बताइए, उसको करने से इनका और इम्प्रूव होगा। तो आपने जो ये ट्रीटमेंट कराया इससे आपको क्या सेटिस्फेक्शन हुआ? फुल सेटिस्फेक्शन। जिन लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम है उनको मैं बताना चाहूंगा कि दिस कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट इज वेरी हेल्पफुल इन द डिस्क केसेस एंड इसको आप ट्रीटमेंट करा के देखें कायरोप्रैक्टिक पर। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिस्क प्रॉब्लम सिंस वेरी लॉन्ग टाइम यू शुड गेट दिस ट्रीटमेंट डन, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट विद दिस। Thank you very much viewers for sharing our video. Thank you very much for watching our video. Please subscribe our channel and please share our videos. Thank you very much. Thank you, Sanjay. Thank you, sir. Thank you. दर्द है अभी कोई? अभी नहीं। अभी नहीं? नहीं। दिल छोड़िए, लूज। लूज। जस्ट लूज। ब्रीदिंग। ब्रीद आउट, सांस पानी पर, सांस लेके सांस छोड़ी, सांस लेके सांस छोड़ी, सांस लेके सांस छोड़ी।